बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मेला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सबके खानों में, रिस्क में, रोज़ी में और सेहत में बरकत दे, आमीन सुमा आमीन। चलें अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए क्रिएट करते रहें। जज़ाकअल्लाह। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब यहाँ हम अपनी अच्छी सी कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। इस तरीके से ऑयल ऐड करने के बाद अब यहाँ हमारे पास 2 मीडियम साइज़ की अनियन हैं। अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे सारी अच्छी तरीके से और इसे करेंगे गोल्डन फ्राई। तो ये देखें फ्रेंड्स, अब हम इस स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कर लेंगे गोल्डन फ्राई। तो ये देखें गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, लाइट गोल्डन ब्राउन। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून हमने इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ हमारे पास 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, 3-4 काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2-3 लौंग हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, ऐड कर देंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। जब 2-3 मिनट अच्छे से आप मिक्स कर लें, इसमें अच्छे से खुशबू बैठ जाए गरम मसालों की, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 केजी मीट। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है हमारा कीमा, थोड़ा मोटा मोटा कीमा है, हम इसमें 1/2 केजी के करीब ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से इस गरम गरम ऑयल में फोल्ड करते रहेंगे इस तरीके से। अच्छा जी व्यूअर्स, कीमे का टेम्परेचर बिल्कुल लो होता है और ऑयल का टेम्परेचर हाई होता है, तो कीमे डालने के बाद टेम्परेचर जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, तो आपको चाहिए कि फ्लेम को थोड़ा हाई कर दें जब आप कीमा इसमें ऐड करें। तो जब कीमे के अच्छे तरीके से कलर चेंज हो जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट इसमें ऐड कर देंगे और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा ये कीमा आलू मटर बनके रेडी होता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अपने घरों में और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से इस तरीके से कुक करेंगे और उसके बाद हम इसे कर देंगे कवर, और कवर करके हम इसे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से कुक होने देंगे। ये देखें 20 मिनट्स हो चुके हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल भी ऊपर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कीमा रेडी हो गया है, हाफ ये कुक हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखें अच्छे से ऑयल ऊपर आ चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू और मटर। और आलू और मटर ऐड करने के बाद भी हम इसे अच्छे से पकाएंगे तकरीबन 20 से 30 मिनट्स इसे देंगे। और ये देखें इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे तो ये पूरा अच्छे से गल जाएगा, आलू मटर भी अच्छे से गल जाएंगे और कीमा भी हमारा अच्छे से कुक हो जाएगा, डन हो जाएगा। अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे 1/2 कप के करीब और इसे कर देंगे कवर, ये देखें इस तरीके से, और तकरीबन इसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किस कदर ज़बरदस्त मज़ेदार सा हमारा आलू मटर कीमा बनके रेडी हुआ है और रेसिपी बहुत ही सिंपल सी है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर अपने घरों में ट्राई करें, अपने प्यारों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हबी के लिए स्पेशली, और ये बहुत ही मज़ेदार सा सालन बन के रेडी होता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चे बड़े सभी इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब हम इसमें एंड में गार्निशिंग कर देंगे हरे धनिया के साथ, इस तरीके से हरा धनिया आपने इसमें ऐड कर देना है, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा सालन बनके रेडी होता है। तो चलें अब हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। होप्स हो कि आज की हमारी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चलें हम डिश आउट करते हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को हमारी। जी व्यूवर्स, होप्स हो कि आप लोगों को हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है। इससे क्या होता है, हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले आती है। हम कोई भी न्यू रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता है, तो आप लोग ऐसा ज़रूर किया करें। तो चलें फिर मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।